ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाल ही में शिवसेना ने किया बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन, भाजपा ने किया शिवसेना के खिलाफ टिप्पणी। जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद से जो कि सबसे ज़्यादा जिसके बाद प्रभावित नागरिक हुए हैं वो हुए हैं बिजली विभाग की वजह से। अब लंबे चौड़े जो है बिजली के बिल आ रहे हैं, तो वहीं पे कई कई दिनों तक लाइट बंदे रहती हैं, जिसके वजह से नागरिकों को 3 दिन तक पानी की असुविधाएँ होती है, अन्य असुविधाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में शांति नगर में भी पिछले 2 दिन से जो है लाइट बंद थी, ट्रांसफार्मर वहाँ पर ख़राब हो गया था, लेकिन दुरुस्ती करने में असफल रहा, लंबा समय लगा बिजली विभाग को। शिवसेना ने वहाँ पर जो है विरोध किया, रास्ता जाम किया, नागरिकों को दिक्कत हुई पैंडेमिक के समय में, इतनी जो है भीड़ में लोग वहाँ पर पहुँचे, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से जो कि विरोध किया जा रहा है सत्ता में होने के बाद भी? देखिए, जिस एरिया में ये जो शांतिनगर एरिया है, ये कई वर्षों से शिवसेना का गढ़ रहा है, और जब पूरे शहर में देखेंगे कि बिजली आँख मिचौली कर रही है, मैं तो समझता हूँ दिन में ऐसी परिस्थिति हमने कभी देखी नहीं है जितनी उल्लासनगर में बिजली जा रही है, कि पूरी तरह से शिवसेना सरकार जो है महाराष्ट्र की, उसकी विफलता है। बड़ी बात तो ये है, एक तो विरोधाभास है कि एक तो आप सत्ता में हैं, स्फूर्त लोग रास्ता बंद कर देते हैं, और शिवसेना के शहर प्रमुख भी उसी विरोध में, उसी आंदोलन में सत्ता होने के बाद भी शामिल हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि आखिर ये जो इनका विरोध किसके विरोध में है, शिवसेना सत्ता के विरोध में है या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विरोध में है? अगर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विरोध में है, तो क्या इनका, इनकी सत्ता होने के बाद इनके यहाँ पर जो है सांसद हैं, इनके पालक मंत्री हैं, उनका इन अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? बड़ा विरोधाभास है, हास्यपाद भी है। आप अगर कहेंगे कि कल इतने जोर से आज सारे समाचार पत्रों में आया है कि शिवसेना ने किया आंदोलन, किसके खिलाफ आंदोलन? शिवसेना का आंदोलन शिवसेना सरकार के खिलाफ। इसका अर्थ एक यह भी निकलता है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमारी सरकार विफल है, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप सत्य बोलने की ताकत रखते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। तो मैं सभी शिव सैनिकों को जो हिंदूवादी विचारधारा पे चलते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी में, आइए मिलकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। तो आइए सुनते हैं इस पे क्या है कहना शिवसेना पदाधिकारी संदीप गायकवाड़ का। संदीप गायकवाड़ जी, जिस प्रकार से हाल ही में जो कि बिजली विभाग के खिलाफ शांतिनगर में शिवसेना ने प्रदर्शन किया था, वहां पे लाइट बंद थी 3 दिनों से, पानी की दिक्कत हो रही थी, नागरिक परेशान थे, लेकिन इसी पे जो है भाजपा के नेता द्वारा जो है टिप्पणी की गई है कि शिवसेना जो है सरकार होने के बाद भी अपनी सरकार का विरोध कर रही है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अगर शिवसैनिक भाजपा पे आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसके बारे में हमारी राय जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बिजली विभाग के नाकामी थी, एक ही समय पे 3-3 ट्रांसफार्मर उड़ जाना, उसकी देखभाल न करने का जो, यानी जिससे लोग आक्रोशित थे, उसके लिए वो स्फूर्त रास्ता रोको था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की सीख है, हम सत्ता में रहे या ना रहे, शिवसेना आम जनता के प्रश्नों को लेकर हमेशा रास्ते पे उतरी है और उतरती रहेगी। हम सत्ता की लालसा में काम नहीं करते, हम लोगों के प्रति जो हमारा आदर भाव है, जो हमें सीख दी गई है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। रही बात बीजेपी के यहाँ के छुटपैये नेता जो खुद चुनकर नहीं आ सकते, मगर बातें वो दिल्ली से गली तलक की बातें करते हैं और खुद को महाज्ञानी समझते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व की बात जब आप करते हैं तो हिंदुत्व आप हमें सिखाए, इतनी आप बड़े नहीं हो गए तो ये हमें हिंदुत्व का सबक ना दे तो वो बेहतर होगा। रही बात ये शिवसेना को लोगों को हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने पक्ष में बुला रहे, ये अपने पक्ष में बुलाकर सामने वाले का किस तरह से खच्चीकरण करते हैं, ये उल्लासनगर वासी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इनके बेबाक वक्तव्य को हम महत्व नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात, शहर प्रमुख श्री राजेंद्र चौधरी, ये पूरे कोरोना काल में कंटिन्यूटली लोगों से
साथ में थे, उनके सुख दुख में थे, उनको अनाज का विषय रहा होगा, उनके ट्रांसपोर्टिंग का विषय रहा होगा, या पीड़ित जो कोरोना ग्रस्त लोग हैं उनके देखभाल का विषय रहा होगा, हॉस्पिटल का, इसके लिए तत्पर थे। साथ ही पूरी शिवसेना की टीम हमारी उल्लासनगर के हमारे दिग्गज नगर सेवक नेतागण इसके लिए लगे थे, जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, माननीय खासदार जी श्रीकांत शिंदे जी और गोपाल लांडे साहब इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी पार्टी के नगर सेवक या कार्यकर्ता थे तो वो शिवसेना के लोग थे। ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, अब क्या है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी के बारे में टीका टिप्पणी कर दो तो इनके ऊपर कोई टिप्पणी कर दे और इनसे इनको फुटेज मिले, तो ये सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बेबाक स्टेटमेंट देते हैं, तो इन लोगों को हम महत्व नहीं देते हैं। शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पे बनी रही है, बनी रहेगी, हमारा एजेंडा ही हिंदुत्व का था। रही बात ये जो बता रहे अभी ये घंटा नाद कर रहे, अभी आप देखिए कि अगर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे कोरोना, यानी यहाँ की ये जो मुंबई नगरी है, मुंबई नगरी में लोक संख्या बहुत ज्यादा है और इस लोक संख्या को नियंत्रण करने में कुछ राज्य सरकार ने निर्णय लिए है, तो उसी के अनुषंग से ये मंदिर या प्रार्थना स्थल जो भी सभी धर्म के बंद है, तो कोरोना को रोकने के लिए है, मगर इनको इनसे कुछ तो करना है, सरकार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचना है, इसके लिए भावनिक तौर पर ये लोगों को फुसलाने की बात कर रहे हैं। मंदिर खोलो, मंदिर खोलकर वहां पर अगर कल को ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा हो गया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो ये चिति भी इनकी और पट भी इनकी, तो इनके ये बेफजूल बातों को हम नजरअंदाज करते हैं। रही बात केंद्र की, तो सब कुछ बेचते बेचते अभी इनके पास घंटा बचा है, इसके लिए सिर्फ ये घंटा नाद कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।